चलिए अभी आप इमोजी से कंट्री के नाम बताइए। इस इमोजी से कौन सा कंट्री का नाम बनेगा? ध्यान से सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। यह है जे और यह है पान, तो इसका मतलब हुआ जापान। क्या आपको इसका जवाब पता था? तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। अब इस इमोजी से कौन से कंट्री का नाम बनेगा? ध्यान से सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। यह है चैन और यह है ए, तो इसका मतलब हुआ चाइना। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। राजू एक ग्रुप इंटरव्यू देने के लिए एक ऑफिस में पहुंचा। वहां काफी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। वहां पे इंटरव्यू लेने वाला आया और उसने कहा कि मैं आप लोगों को एक ही सवाल पूछूंगा और जिसने भी सबसे पहले इसका जवाब दिया तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा। तो बताइए 12,212 को कैसे लिखेंगे आप? ये सवाल सुन के सब हैरान हो गए। तो आखिर इसे एक साथ कैसे लिखेंगे? तो काफी सोचकर सिर्फ और सिर्फ राजू ही इसका जवाब दे देता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं राजू ने इसका आंसर कैसे बताया होगा? एक बार ध्यान से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। अगर आप इसे ऐसे लिखने का सोच रहे हैं तो ये 12,000 ना होके तो ये 121,212 होंगे, तो ऐसे तो नहीं लिखना है। तो इंटरव्यू वाले ने ऐसे कब कहा कि नंबर फॉर्मेट में लिखो? तो राजू ने इसे ऐसे लिखा और इंटरव्यू वाले की बात भी पूरी हो गई। तो अभी इस इमोजी से कंट्री का नाम बताइए। तो आपको इसका जवाब आता है तो हमारे वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। यह है बेल और यह है जिम, तो बन गया बेल्जियम। अभी इस इमोजी से कंट्री का नाम बताइए। तो आपको इसका जवाब आता है तो हमारे वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। यह है यू और यह है क्रेन, तो बन गया यूक्रेन। उस दिन की बात है, रोहन एक मॉल में मरा हुआ मिलता है। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को ये लगता है कि रोहन की मौत दिन में हुई है। फिर वहां पे पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए विजिटर लोगों से क्वेश्चन करती है। पुलिस को ये पता चलता है कि उस दिन 3 लोगों से बिल ट्रांजेक्शन हुआ था। पुलिस फिर उन 3 लोगों को अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ शुरू करते हैं। तुम लोग उस टाइम क्या कर रहे थे जब ये मर्डर हुआ? राजू बोलता है कि मैं तो सुपरमार्केट में कुछ फ्रूट ले रहा था। फिर शंकर बोलता है कि मैं तो बीच पे सन बात ले रहा था। फिर मोहन बोलता है कि मैं तो पार्क में अपने डॉग को लेके घूम रहा था।
दोस्तों फिर किसने मारा है रोहन को? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। चलिए दोस्तों अभी इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों रोहन को मारा है शंकर ने। दोस्तों ये देखिए पीछे की तरफ मिरर है, उसमें राजू और मोहन का रिफ्लेक्शन दिख रहा है और शंकर का नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि वो भूत है और उसने ही रोहन को मारा है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। राहुल अपनी कार लेके एक जंगल के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक आदमी लिफ्ट मांगते हुए दिखता है। उस आदमी के कपड़े थोड़े फटे हुए थे। राहुल उसको लिफ्ट देता है और उसका नाम पूछता है और वो अनजान आदमी अपना नाम केतन बताता है। फिर केतन अपनी कहानी राहुल को बताता है। वो कहता है कि मैं अपनी कार लेके घर जा रहा था और मेरे गाड़ी का ब्रेक अचानक से फेल हो गया और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसलिए मैं गाड़ी से कूद गया। और कहता है कि शुक्र है मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस था। फिर केतन राहुल को उस जगह ले जाता है जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी थी। फिर राहुल गाड़ी के चारों तरफ घूम के देखता है और उसे कहता है कि तुम गाड़ी की डिक्की खोलो। जैसे ही रोहन गाड़ी की डिक्की खोलता है, तभी राहुल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ये खुद जानबूझ के किया है क्योंकि तुम्हें गाड़ी का इंश्योरेंस मिल सके, तुम गाड़ी से नहीं कूदे थे। दोस्तों कैसे पता चला राहुल को? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों जब रोहन सच बोल रहा है तब उसकी गाड़ी की चाबी डिक्की में कैसी? मतलब ये कि वो झूठ बोल रहा है, उसी ने सब जानबूझ के किया है। दोस्तों क्या आप इसका आंसर पता कर पाए थे? तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जल्दी से लाइक कीजिए।